कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर धर्मपुर के पट्टा मोड़ के समीप कार व पंजाब रोडवेज बस की जोरदार टक्कर हुई। दुर्घटना में 7 साल के बच्चे सहित एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद क्षेत्रीय अस्पताल सोलन रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कार में सवार दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। जानकारी के अनुसार हादसा कार चालक की लापरवाही की वजह से हुआ। हादसे के होने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना धर्मपुर पुलिस थाना और 108 को दी। सूचना मिलने पर पुलिस व एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गई और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए धर्मपुर अस्पताल लाया गया, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन रेफर कर दिया गया। इस मामले की पुष्टि धर्मपुर थाना प्रभारी ने की। उन्होंने बताया कि कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।